सरकार ने चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालकर युवाओं को सौगात दी, लेकिन इसके बाद नियुक्ति नहीं मिलने के कारण फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती के बाद भी प्रोफेशनल सूची जारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण उनको आंदोलन की राह पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालकर युवाओं को एक सौगात दी, लेकिन ये सौगात लगता है कि अभ्यर्थियों के लिए और जो फार्मासिस्ट है उनके लिए दर दर भटकने का जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी मैं सीफू कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो फार्मासिस्ट है वो अब नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और काफ़ी दिनों से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो ये उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। प्रोविजन सूची जारी करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं वो आज सीफू कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और अभी उनका एक प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में भी गया है, जहां पर जो मुलाकात करने का जो दौर है वो भी चल रहा है, लेकिन अब कब इनकी जो मांग है वो पूरी होती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन माना जा सकता है कि लगातार इनका जो आंदोलन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज चार दिन हो चुके हैं और चार दिनों में लगातार ये गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आंदोलन और आक्रोश वो लगातार इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर बताइए, क्या कुछ आपकी मांग है और किस तरीके से चार दिन हो गए आपको यहाँ पर डटे हुए, अभी तक कोई बात हुई है आपकी और मुख्य मांग क्या है? देखो सर, हमारी मुख्य मांग यही है भाई, हमारी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी करें, क्योंकि 2011 के पश्चात कोई भी फार्मासिस्ट की भर्ती राजस्थान में नहीं हुई। 2018 के टाइम 5 बार भर्ती आई थी मगर 5ों बार कैंसिल हो चुकी है। हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को घर घर तक पहुँचाया है। हमने 8000 के अंदर नौकरियाँ करी है, लोगों की सेवा करी है। कोरोना काल में हमने अपने परिवार को भी खोया है, अधिकतर लोगों ने जो हम यहाँ बैठे हैं संविदा कर्मचारी। मगर जब सरकार ने, अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस मामले को संवेदनशीलता से लिया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने हमारी 3067 की पोस्ट निकाली थी, मगर किन्हीं कारणों से 5-10 की वजह से इस भर्ती को अटकाया जा रहा है चिकित्सा विभाग की तरफ से। तो मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि हमारी तरफ भी देखें, क्योंकि आज सामान्यतः एक बेलदार की पगार 500 रुपये है, हमने 225 रुपये के अंदर वर्क किया है और आज हमारे साथ ये हालत है कि आज हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है, आचार संहिता से पहले हमें प्रोविजनल लिस्ट चाहिए तथा ये कैलेंडर जारी करें और 10-15 दिन जो भी ये टाइम दे उसके पश्चात हमें नियुक्तियाँ चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए अभी आपको बैठे हुए, तो अभी तक कोई वार्ता का दौर चला, किसी से मुलाकात हुई या कोई संदेशा आपका आया है आपको उसके तरह? सारे लोग गोल गोल जवाब दे रहे हैं, अधिकारी सीपू से अलग जवाब मिल रहा है, ACS मैडम से अलग जवाब मिल रहा है, हमको कोई सेटिस्फाइड तरीके से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है हमको। बाकी 8 कैडर की भर्ती राजस्थान गवर्नमेंट ने चिकित्सा विभाग में वो करी थी, बाकी 7 कैडर की भर्ती का PV लिस्ट जारी हो चुके हैं सिर्फ फार्मासिस्ट को छोड़ के। बाकी कुछ लोगों का ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो दिक्कत आ रही है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, बाकी उनको छोड़ के बाकी और लोगों का डिसाइड करें, कुछ लोगों को तो नियुक्ति मिले, बाकी सारे लोग ही फर्जी हैं क्या? बिल्कुल, आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर जा रहा है और लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि वो अपनी वाजिब मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से प्रोविजन सूची है वो जल्दी सरकार जारी करे ताकि दिवाली का जो बोनस है वो इनको मिल सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आमरण अनशन पर भी यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ऐसे में उनकी भी तबियत यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इनका जो समाधान है वो निकल सके। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सतवीर सिंह राठौर, सच बेधड़क, चेपू।